मम आखिरी दिन गप्पे लगा दो इन सबसे, फिर आके करना बात। की देख रहे हो आप अपनी टोपी से? लड़ना कोई भी नहीं बता दिया। बासिल के पीटर वॉश करने का लिक्विड, इसमें है ऑयल, इसमें है मेरा फेस वॉश, इसमें शैम्पू, इसमें लोशन। ये अलग बैग में आ जाएंगी। परफ्यूम भी तो ऐड हो रहा है ना। बासिल का फेवरेट परफ्यूम है मेरे ब्रांड का परफ्यूम, जिसका नाम है बी बैडमैन। बासिल का फेवरेट है। और ये भी मैंने रख दिया, गिफ्ट दे दूंगी किसी को। अच्छा, इसको सब्सक्राइबर अगर वहाँ मिल गया तो ओके। आप दे सकते तो मैं नहीं दे सकता। हाँ, यहाँ हमारा बैग रेडी है, वहाँ पर सहरी भी रेडी है। बासिल जो है यहाँ पर सो रहा है, लाइट बंद कर देते हैं। आज मैंने पहना है भाई कैप, क्योंकि हम जब कल जा रहे ना तो मेरी टोपी जो है ना वो काफी ना गंदी हो गई थी, उसको धोने डाल दिया है, तो सुबह तक वॉश हो जाएगी, फिर वही लगा के जाएंगे। क्या पापा कैप देख रहे हैं? सही लग रहा है कैप? पूरा बॉल खा लेना यार, मुझे प्लेट दे दे सिर्फ, चल। अबे थैंक यू भाई, टमाटर मेंडस की प्लेट हमने पकड़ ली है। आज के व्लॉग में कोई जा रहा है, कोई ना कोई तो जा रहा है, कोई ना कोई तो जा रहा है। खाना निकल चुका है हमारा, तो फटाफट से कर लेते सहरी। अरवी गोशे और पराठे पे जो है वो आज घी नहीं है। गोशे जैसे धनिया पुदीने की समझ नहीं आती ना। तीन चाय के कप है लेकिन ये सारे बड़े, मैं तो पीता कम हूँ, तो हमारे घर आ गया छोटा कप। मॉम मेरे को चाय भी इसमें दिया करो। ये गंदगी देख रहे हो आप अपनी टोपी से? मॉम आखिरी दिन गप्पे लगा दो इन सबसे, फिर आके करना बात। गप्पे खत्म हो गए? तू भी कोई गप्पा लगा दे इसके साथ। मेरे साथ नहीं हो गए। आज सुस्ती हो गई इन लोग, पता लग गया कि हम लोग जा रहे हैं ना तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वरना तो इतने गप्पे लग रहे होते हैं। देखो हम जबरदस्ती गप्पे नहीं लगाते, लगने होंगे तो लगेंगे। अच्छा कुर्सी पे पाँव रखेगा टमाटर? आज टांग रख रहा है, कल तो तीन कुर्सी पे लेटेगा, मुझे पता हम लोग तो होंगे नहीं। लेट के नहीं खाई होगी हमारे मगर। लेट के सेरी अफ्तारी करूंगा। एडिट भाई क्या करेगा? इधर लेट कर। लग गए गप्पे, लग गए। अब आपको मिलते हैं भाई सुबह उठकर, अभी हमें करना है ब्रश और फिर पढ़नी है नमाज और फिर सोना है। डेली का यही होता है सहरी के बाद सबका, तो बस आपको फिर अब मिलते हैं उठकर। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी। ये तो काफी ज्यादा भारी हो रहा है, ये दो छोटे बैग भी, एक तो उनको भी संभालो, व्लॉगिंग भी करो और इनको भी संभालो। उठते साथ भाई निकलना पड़ रहा, क्योंकि मैं 2 बजे घर से निकलना था और हमारी फ्लाइट क्योंकि 3:30 बजे की है। रेडी रेडी रेडी, बस अब सो जाओ फौरन मेरे कमरे में। अल्लाह हाफिज कर दिए लोगों को, गले गले। ओके चल चल यार, अब टमाटर, बाय बाय। चल बाय बाय। आज के ड्राइवर आप हमारे? मेरे बच्चे अभी भी लड़ रहे हो? हमारे जाने पर लड़ना कोई भी नहीं बता दिया। अगर लड़ेंगे ना मैं आपको डायरेक्ट कॉल करूंगी बस। हाँ। समझा दिया लोगों को लड़ना वड़ना नहीं? मैंने कल से समझा दिया। बैग पकड़ यार, ये भी और ये भी। फरिया तुम ज्यादा पकड़ लो। गिड्डी की पहली अल्लाह हाफिज। आ जा, ये भी जाएगा। बाय बाय माय स्वीटी, आपको आके सर्विस कराते फिर आपको अच्छा से चलाते। अभी ये पूरी डेड पड़ी हुई है, क्योंकि इसकी दूसरी सर्विस ना मैंने नहीं करवाई। जल्दी जल्दी, अबे क्यों? बस आज के डेस्टिनेशन के लिए रवा दवा है और बासिल आगे बैठे हैं, हम तीनों पीछे बैठे हैं। आमीन आमीन। ये बताना भूल ही गया कि हम जा कर हैं यार, ये जहाँ से उतर के पता लगेगा आपको। रोड एंजॉय करते हैं देन फिर एयरपोर्ट आ जाएगा। पहुंच गए एयरपोर्ट। आजा आजा, बासिल अगर जहाज में रोए तो उसको दे। नहीं नहीं, ये रख कर जा रहे हैं हम तो। मॉम फिर कुछ समझा रही है? सिर्फ लड़ाई की फिक्र है बेटा हम लोग को। सुबह जल्दी से बोर्डिंग करवाते हैं, पानी नहीं निकल रहा। जो रोजेदार जा रहे हैं उनको रोजा नहीं लग जाए पानी देखकर, इसलिए। चला चला, बासिल सो गया। रमजान के अंदर ट्रैवल तो मैं कर चुका हूँ, मॉम और पापा का मुझे नहीं पता। रमजान में कभी ट्रैवल किया आपने? नहीं, 50 साल में। क्योंकि रमजान के अंदर हर साल जाता है कि भाई वो अपने घर में ही इफ्तारी करे, रोजा रखे अपनी फैमिली के साथ। लेकिन हम बड़े हो गए ना, तो हमने बोला कि भाई अब थोड़े न्यू दौर से चलो ना, थोड़ा घूमो फिरो, खाओ पियो, मजे करो। इस बार हम लोग सारे जा रहे हैं, तो जगह मिल गई है हमें और अभी हमें यहाँ पर करना है भाई आधे घंटे का वेट। आधे घंटे बाद फिर हमारी है फ्लाइट। ये ऐसे ही सोता रहे अगर ये जहाज मोड़ गया ना तो फिर इसे जो तंग करना है। तूफान के आने से पहले का सन्नाटा। ये गाड़ी बिल्कुल चुप, इधर बिल्कुल चुप, अब जहाज में क्या होगा? फर्स्ट है ना इसका, तो रुई होगी आपके पास? रुई है भाई। मिल गई। ये बच्चा और वाइफ के साथ जाने का, शादी के बाद उसके खत्म हो जाते ना आपके। चला चला चला, हमें सीट्स मिली है 25C, बिल्कुल पीछे। मैं सबा और मम्मी साथ बैठे, पापा ने बोला चलो मैं अलग बैठ जाता हूँ, वरना पापा की सीट इसमें से कोई एक थी। सबसे पहले हमें एक काम करना, बासिल सो रहा है उससे पहले पहले हमें इसको रुई लगानी है कान के अंदर, ताकि जहाज जब उड़े तो उसके कान में दर्द ना हो। तंग करना शुरू, तो फटाफट से रेडी करी फीडर। ये ना उठ जाए शोर से यार बच्चे के, बस ये सोता रहे। बेबी का सीट बेल्ट आ चुका है, अब पता नहीं हमें ये बांधेंगे कैसे। आज से पहले तो कभी बांधा ही नहीं। कैसे लगाया बेल्ट जरा बताओ? मैंने मेरे बेल्ट के अंदर जॉइंट करा फिर इसको ऐसे लगा। रोजा है रोजा है रोजा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कभी नहीं पता ये जहाज में बैठा है, सो रहा है क्योंकि कार वगैरह में संभाल लेते, एक्सपीरियंस
सो गए। जहाज का भी मैं कह रही हूँ बस सोते हुए जाए वहाँ उठ जाए। अरे इतने सारे जहाज पड़े हम लोगों को आइसक्रीम मिल गई बादलों पर। मॉम तो सो गई है तो पार्सल का सामान ले लेते हैं यहाँ से हम लोग। उड़ के महाराजा ये देख रहा मैं कहाँ पर हूँ। ये बोल रहे ये गाड़ी भी नहीं है, ये है क्या? आपके पापा ने बड़ी गाड़ी खरीद ली है, सबको बिठा के लेके जा रहे हैं। कुछ भी हमें उसे यूं भी नहीं देखती थी। बासिल तो पैदा हुआ है उसे। चलो पापा को लगी भूख। और भाई बासिल जो है वो अभी भी वहीं पर ही है। अब कार में दर्द हुआ इसके हल्का हल्का। टाइम 5:08 हो रहे। लैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए हम। हमारे बासिल ने हमें तंग नहीं किया जहाज में, पूरे हमने 2 घंटे बड़े सुकून से गुजारे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना कि यार ये तंग करेगा, रोएगा, एक बवाल कर देगा, तो उसने नहीं किया ऐसा। अरे जल्दी लगाओ यार उतरना भी है। तो मजा आया के लिए बैठ कर बैग्स बैग्स बैग आई थिंक यही बैग लग रहा है। ओ ये बैग टोपी टोपी खेल रहे हो। अभी तक बताना भूल गया कि हम आए कहाँ हैं। हम आए हैं पिशावर। अब पिशावर से हमें मेन जगह जाना है वो है सवात। अब ठंड वन की हम जो बातें करते ना ठंड वो सवात है। इन्हीं किसी व्लॉग में एक सरप्राइज आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे बेहतर हो तो फिर बेहतर होगा, मजा आ जाएगा वो सरप्राइज सुनकर आपको और मुझे भी। पापा आप भी एक्साइटेड हो सरप्राइज के लिए? ओ मॉम आपको वो सरप्राइज आएगा अगले। अच्छा और आपको? मुझे तो बहुत सबसे ज्यादा। मैं तो इस बार ये बोलूँ मैं ट्रेवल अब आगे कैसे करूंगा। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गया हूँ। अगर बाइक से जाया करूंगा तो दो दो बैग तो मेरे हाथ में यूं हैं। एक बड़ा बैग होगा। तुम तो बोलते थे कि मैं बस सिंपल है तीन सूट लो और बस। जितना मैं भागते थे इन चीजों से उतना मैं पकड़ा गया। इफ्तारी कर लेते हैं पिशावर में, देन उसके बाद आगे चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा इफ्तारी होने में। आ चुके हैं भाई किसी रेस्टोरेंट हम लोग। यहाँ पर हमें बूफे मिले या हमें खुद ऑर्डर करना पड़े तो हम कर लेंगे और खा लेंगे। मम आप लोग क्या पसंद है, बूफे या ऑर्डर वाला सिस्टम? बूफे नहीं लेना, हम कहते हैं एक बंदा बूफे ले ले वो चीजें लाए सब चख लेना। ये सबको बाहर निकाल देंगे। आ जाइए बूफे। मम सबको बूफे चाहिए। कभी कभार तो होता है, कर लेते हैं कभार है ना। बट डन पेशावर की इफ्तारी टाइमिंग चेक कर रहे हैं यार कि रोजा कब खुलेगा यहाँ पर। आज है 15वां रोजा, ये खुलेगा 6:40 के करीब। सहरी भी जो है वो बंद हो रही है 4:30 से पहले। कराची में तो 5 बजे बंद होती है। इधर थोड़ा सा ना 10-15 मिनट का रोजा बड़ा है। तो खुल चुका है बूफे। ये थोड़े फ्राई आइटम लेते हैं और थोड़े से ड्राई आइटम भी जैसे कि सैंडविच। इससे निकालो ना जो मना एक और आई थिंक ये चीज वाला है, ये ले लेते हैं 2 पकोड़े। नहीं पकोड़े नहीं, समोसे लेते हैं। निकालो। अच्छा नीचे नाम भी लिखे हुए, हम तो पढ़े बगैर बस डाले जा रहे हैं जो भी हाथ में आ रहे हैं। आज आपके भाई ने भाई फुल प्लेट भर ली है, घर में तो वैसे खाता नहीं हूँ। अच्छा पापा के वही पुराने पकोड़े चाट और समोसा एक। मॉम ने थोड़ी सी इंग्लिश बनाई। तो सुबह की प्लेट में क्या क्या है भाई तो देख लें। पिज्जा विंग्स और क्यूब्स और समोसा पकोड़ा। ये तुमने बिल्कुल छोटी छोटी चीजें ली है बस। अरे ये दही बड़े और ये छोले। क्या लिखा हुआ है? हाँ कहाँ लिखा हुआ है? बूफे से खाना जाया करने वाली सूरत में 2 रुपए फी ग्राम के हिसाब से इजाफी रकम अदा करनी होगी। तभी मैं थोड़ा थोड़ा एक तो पैसे दो बूफे में और अगर बचा दो तो उसके ही पैसे दो। खत्म। इफ्तार किया। ये भी आज भी हमारा इफ्तारी नहीं कर रहा, बाद में करेगा। चुपचाप करते हैं इफ्तारी। पहली शिफ्ट करने के बाद दूसरी शिफ्ट में मिलते हैं आपको कि दूसरी शिफ्ट में हमने क्या लिया। Okay. भाई सारे चल पड़े नमाज के लिए। इधर से नमाज कंप्लीट। उठ गए महाराजा भी, इनकी हो गई इफ्तारी। उठाओ राउंड 2 स्टार्ट। पिज्जा आ गया, थोड़ा सा ये भी ले लो। हाँ चिकन हांडी उठा लो। बस एक काफी है। एक काफी है। ये क्या बन रहा है? मटन कढ़ाई लाइव और कबाब। बन चुकी है हमारी डिनर की प्लेट। राउंड 3 भी करना है? नहीं मॉम इतनी गुंजाइश नहीं है राउंड 3 की। भाई आपने दूसरा चक्का लगाया? अच्छा ये भी तो बड़ा तंग कर रहा है। तो भाई खाते रात का खाना और अब आपको मिलते हैं भाई खाना खाने के बाद और बाहर। और फिर सफर हमारा डायरेक्ट है यहाँ से डायरेक्ट सवात। तो इस व्लॉग में हम उसको नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ रात का है और उसमें कोई व्यू भी नहीं आता। यहाँ मुझे दिख गए भाई पान और मैंने सोचा कि भाई खाते हैं और कराची की याद को थोड़ा ताज़ा करते हैं। एक दिन की याद ताज़ा कर लेंगे भाई क्योंकि कराची में ना पान मिल जाते हैं इजीली। कभी बार रात को मैं खा लेता हूँ सॉफ्ट खुशबू का। कितना पीसफुल माहौल हो रहा है यहाँ पर। इस पीसफुल माहौल के अंदर पान आहा।
चलो 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 के जनाब, तो गाड़ी में आ चुके हैं। ये आप पान खा रहे थे ना? नहीं नहीं, किसी के लिए भी नहीं लेके आए। कैसे होगा, चुप चुप के पान खा रहे हैं। पैसे ही नहीं बचे थे, पैसों के खत्म हो गए भाई। इस व्लॉग का जरिए एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा व्लॉग को। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त 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 कर दो। अभी रवा दबाएं हम डायरेक्ट सवात के लिए। एक सवात में 4 घंटे का सफर है, तो 4 घंटे यहाँ सो के गुजारेंगे। तो आपको मिलते हैं फिर शहरी के अंदर। आप सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो मस्त कर दो, ताकि कल जो व्लॉग आ रहा है, परसों व्लॉग आ रहा है, वो बड़ा ही मस्त हो जाए। बाय बाय, टेक केयर। तो देखो बासिल, लाइक कमेंट शेयर जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लाइक कमेंट शेयर, लाइक करें टिंगू टिंगू टिंगू, कमेंट करें टिंगू टिंगू टिंगू, शेयर करें टिंगू टिंगू टिंगू। शर्ट खा रहा है, शर्ट खा रहा है।